नमस्कार, मैं पंडित नरेंद्र उपाध्याय लाइव हिंदुस्तान के ज्योतिषीय कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले 2 मार्च 2022 की ग्रह स्थिति देखते हैं। राहु वृषभ राशि में, केतु वृश्चिक राशि में, मंगल शुक्र शनि बुध मकर राशि में, चंद्रमा का प्रवेश कुंभ राशि में, वहां पहले से ही सूर्य और गुरु विद्यमान है। ग्रहों की स्थिति अभी भी बहुत अच्छी नहीं है, थोड़ा एक दो दिन और लगेगा फिर थोड़ा ठीक होगा। राशिफल देखते हैं। मेष राशि, आय में आशातीत वृद्धि, मन फिर भी थोड़ा परेशान रहेगा, भूम भवन वाहन की खरीदारी में अभी थोड़ी सी खलल पड़ेगी, बाकी व्यापारिक स्तर से चीजें बेहतर, स्वास्थ्य पहले से बेहतर, पिता के स्वास्थ्य में भी सुधार, कुल मिलाकर के एक अच्छी स्थिति है। मन पे काबू रखें, शिवजी को प्रणाम करते रहे। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए व्यवसायिक स्थिति अच्छी है, लेकिन अभी कोई नए व्यवसाय की शुरुआत में मत करिएगा, जो चल रहा है उसको चलने दीजिए। पिता के स्वास्थ्य पे ध्यान दें, कोर्ट कचहरी से बचे, स्वास्थ्य अच्छा है, प्रेम और संतान की स्थिति भी काफी अच्छी है, सूर्य को जल देते रहे। मिथुन राशि, भाग्य साथ देगा लेकिन यात्रा में कष्ट संभव है, धार्मिक बने रहेंगे, पूजा पाठ में मन लगेगा, स्वास्थ्य अच्छा है लेकिन कोई रिस्क मत लीजिएगा, प्रेम की स्थिति पहले से बेहतर है, व्यापार भी आपका सही दिख रहा है, काली जी को प्रणाम करते रहे। कर्क राशि, चोट चपेट लग सकता है, किसी परेशानी में पड़ सकते हैं, थोड़ा बच के पार करिए, किसी तरह की कोई रिस्क मत लीजिएगा, वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा, स्वास्थ्य मध्यम है, प्रेम और संतान की स्थिति बेहतर है, व्यापारिक दृष्टिकोण से सुखद समय साबित हो सकता है, बजरंगबली को प्रणाम करते रहे। सिंह राशि, जीवन साथी का सानिध्य मिलेगा, रोजी रोजगार में तरक्की करेंगे, मन रंगीन बना रहेगा, छुट्टी सा महसूस करेंगे, बड़ा एंजॉय करने वाले हैं, स्वास्थ्य अच्छा है, प्रेम और संतान का पूरा पूरा साथ, पीली वस्तु पास रखें। कन्या राशि, विरोधियों पर भारी पड़ेंगे, थोड़ा डिस्टर्बेंस रहेगा लेकिन बिल्कुल आप रुका हुआ कार्य को सुचारू रूप से चलाने लगेंगे, स्वास्थ्य आपका अच्छा है, प्रेम और व्यापार का भरपूर साथ है, लाल वस्तु का दान करें। तुला राशि, भावनाओं में बह के कोई निर्णय मत लीजिए, विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय, लिखने पढ़ने में जो भी समय व्यतीत करेगा उसके लिए अच्छा समय रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा है, प्रेम में थोड़ा तूतुमय में, व्यापारिक दृष्टिकोण से सही समय, पीली वस्तु का दान करें। वृश्चिक राशि, घरेलू सुख बाधित, गृह कलह के शिकार हो सकते हैं, मां के स्वास्थ्य पर ध्यान दें, भौतिक सुख संपदा की खरीदारी में थोड़ी प्रॉब्लम संभव है, स्वास्थ्य फिर भी अच्छा है, प्रेम और व्यापार मध्यम गति से आगे बढ़ रहा है, पीली वस्तु पास रखें। धनुराशि, पराक्रम रंग लाएगा, रोजी रोजगार में तरक्की करेंगे, अपनों का साथ होगा, स्वास्थ्य अच्छा है, प्रेम पहले से बेहतर, व्यापारिक दृष्टिकोण से सुखद समय, सूर्य को जल देते रहे। मकर राशि, मकर राशि की स्थिति पहले से सुधार की तरफ, व्यापार में तरक्की दिख रही है, भाग्य साथ दे रहा है, बस अभी निवेश करने से बचिएगा, बाकी सब कुछ बहुत बढ़िया दिख रहा है, सूर्य को जल देते रहे और ताम्रपात दान करें अच्छा होगा। कुंभ राशि, मन थोड़ा अवसादित दिख रहा है, बुझा बुझा सा महसूस करेंगे, स्वास्थ्य मध्यम है, प्रेम में थोड़ी दूरी, व्यापारिक दृष्टिकोण से असमंजस की स्थिति, ताम्रपात्र दान करें। मीन राशि, स्वास्थ्य में कमजोरी का अनुभव करेंगे, शासन सत्ता पक्ष से थोड़ी दूरी और परेशानी का अनुभव करेंगे, प्रेम और संतान में भी थोड़ी दूरी है, मध्यम समय कहा जाएगा, शिव जी को प्रणाम करते रहे। नमस्कार।